हेलो बच्चों, अब मैं आपको हर एक चैप्टर के सबसे 10-10 इंपॉर्टेंट सवाल बताने वाला हूँ, ठीक है? तो आपने खाली इन क्वेश्चंस को देखना है और मेमोराइज करना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अल्कोहल फिनोल ईथर्स का। सबसे पहले सवाल है बच्चे, कार्बोलिक एसिड का मतलब क्या होता है? तो कार्बोलिक एसिड को हम क्या कहते हैं? फिनॉल। ये सब लोग याद रखेंगे दैट फिनॉल इज अनदर नेम फॉर कार्बोलिक एसिड। ओके फाइन। दूसरा क्वेश्चन है ल्यूकस रिएजेंट क्या होता है? तो ल्यूकस रिएजेंट मतलब होता है एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसेंट्रेटेड HCl। ये करता क्या है? ये 1 degree, 2 degree, 3 degree अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के काम में आता है। तीसरा सवाल है बच्चे कि ल्यूकस टेस्ट का बेसिस क्या है? तो हम कहते हैं कि ल्यूकस टेस्ट का बेसिस है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। जो जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनाएगा अल्कोहल, वो उतना अच्छा ल्यूकस टेस्ट दिखाएगा। मतलब टर्शियरी अल्कोहल सबसे ज्यादा अच्छा ल्यूकस टेस्ट दिखाता है। चौथा सवाल है बच्चे, विलियमसन सिंथेसिस क्या है, एसिन 1 या एसिन 2? तो आप सबको बताएं कि विलियमसन सिंथेसिस एसिन 2 है। क्यों? उसमें हम एल्काइल हैलाइड क्या लेते हैं, बहुत ही लेस बल्कि, और जो न्यूक्लियोफाइल है कहां से अटैक करता है, बैक साइड से। बनाते क्या है हम विलियमसन सिंथेसिस से? ईथर, ROS ईथर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, फिनॉल और एनिसोल कौन सा आर इफेक्ट दिखाते हैं? तो हम ध्यान रखेंगे फिनॉल एंड एनिसोल दोनों में लोन पेयर होता है O के ऊपर। तो जब भी कभी लोन पेयर होगा तो क्या दिखाएगा? प्लस आर इफेक्ट। फाइन, मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन देगा, टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट बच्चे, विच इज मोर एसिडिक, फिनॉल और अल्कोहल? तो आपको बताया गया था कि फिनॉल और अल्कोहल में, फिनॉल में बनेगा फिनॉक्साइड आयन, अल्कोहल में बनेगा एल्कोक्साइड आयन। फिनॉक्साइड आयन में जो नेगेटिव चार्ज है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, इसीलिए फिनॉक्साइड आयन ज्यादा स्टेबल है। मतलब फिनॉल ज्यादा एसिडिक है, वो बार बार फिनॉक्साइड आयन बनना चाहेगा। नेक्स्ट बच्चे, अल्कोहल और ईथर में किसकी ज्यादा सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट होती है पानी में? हमको बताना चाहिए अल्कोहल कंटेन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ईथर में एच बॉन्डिंग नहीं होती, इसीलिए अल्कोहल्स हैव स्ट्रॉन्गर बॉइलिंग पॉइंट एंड मोर सॉल्युबिलिटी इन वाटर। नेक्स्ट, क्या फिनॉल अल्कोहल होते हैं? नहीं, ध्यान रखना, अल्कोहल वो है जब कार्बन एलिफैटिक हो और उस पर OH लगा हो। फिनॉल वो है जब OH ग्रुप किसी एरोमेटिक सिस्टम पे लगा हो। तो ध्यान रखना फिनॉल और अल्कोहल में बच्चे फर्क होता है। नेक्स्ट, केमिकली डिस्टिंग्विश करना है फिनॉल और अल्कोहल में, पता होना चाहिए। फिनॉल दिखाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट, मतलब Br2H2O के साथ जब करते हो तो आपको 2.4.6 ट्राइब्रोमो फिनॉल मिलता है, जो कि वाइट PPT होता है, जो अल्कोहल नहीं दिखाता। दूसरा आप कह सकते हो कि फिनॉल न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ वॉयलेट कलर का कॉम्प्लेक्स बनाता है, जो अल्कोहल नहीं बनाता। तो ये आज आपके 10 सवाल थे अल्कोहल फिनॉल ईथर के। अगले इस क्वेश्चन सीरीज लेके फिर से आऊंगा। बाय बच्चे।